हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी सेक्शन बी के क्वेश्चंस, ठीक है। वाई के लिए हल करने योग्य डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर सेकंड बी, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है। हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है गाइस। हमने पहले एग्जाम्पल 1 देखा था, इसमें टोटल 2 एग्जाम्पल है, तो पहला मैंने करवा दिया, ये आप खुद कीजिए, ठीक है। ठीक है, ये आप खुद कीजिए। अब क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसको मैं y के बराबर लिख लीजिए इसको, तो 2px प्लस f(x)t2, ठीक है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो कीजिए एक्स के सापेक्ष, इसका क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 2। सबसे पहले पी का कर देते हैं, पी का क्या होगा dp/dx, ठीक है, और x ऐसे कैसे रह जाएगा प्लस 2p ऐसे कैसे x का 1, ठीक है। अब प्लस f इसका क्या हो जाएगा f(x)t2, और अंदर वाले का जब करेंगे तो इनटू x का 1 और t2 ऐसे कैसे प्लस x ऐसे कैसे t2 का 2p इंटू dp/d है, ठीक है, ये सेकंड का हो जाएगा। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से अपन लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, तो ये तो क्या हो गया dy/dx बच्चों, ये इसको हम p लिख सकते हैं क्योंकि ये p के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम 2x dp/dx इसको ऐसे लिख दिया, x को आगे ले लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2p और इसको मैं अंदर वाला मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो f क्या है f(x)p2, अंदर p2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 का कोई मीनिंग नहीं है, प्लस f(x)p2 इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2xp/dp/dx, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चूंकि एक p ये है, अब ये p जब सभी टर्म्स को एक साइड में लेंगे, p को इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, इधर माइनस का p हो जाएगा, तो प्लस का 2p है, माइनस का 1p, ये क्या बच जाएगा प्लस का 1p बच जाएगा, ठीक है, कितना p 1p, और इधर क्या आ जाएगा 0। तो मैं इस साइड ना लिख के 0 उधर लिख देते हैं, ठीक है, एक साइड क्या आ जाएगा 0, तो ये आ गया। अब यहाँ से dp/dx वाली टर्म हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो लीजिए यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, या 2x dp/dx, 2x भी है dp/dx, तो 2x dp/dx ये आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 1 यहाँ पे, तो इस पद में, ठीक है, और इस पद में इसमें बच जाएगा प्लस p(f)(x)p2, ठीक है, ये बच गया। अब बाकी टर्म्स को लिख दो, ये टर्म लिख दी, ये इसको अपन लिख लिए। अब
एक ये ड्रम बची है और एक पी वाली, ठीक है। तो यहाँ से हम पी कॉमन ले सकते हैं, तो जब पी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वन बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन, और इधर पी इंटू एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, बराबर जीरो, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों हम करेंगे ये बराबर जीरो के बराबर, ये ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये और ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, फैक्टर वन प्लस पी इंटू एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, वन प्लस पी एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, वन प्लस एफ डैश एक्स, सॉरी ये आएगा वन प्लस पी इंटू एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बता, यहाँ टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, ये बच गया, और उस साइड पी बच गया प्लस का, वो भी किसका, प्लस का, माइनस का नहीं इधर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, जीरो के। अब जैसा कि हम डी पी अपॉन डी एक्स वाला जो पद आएगा उसको रखेंगे, बाकी वाले को छोड़ देंगे, इसमें डी पी अपॉन डी एक्स वाला आ नहीं रहा तो इसको छोड़ देंगे, बिकॉज इससे हम हमारे को क्या प्राप्त होता है, हमें विचित्र हल मिलता है, इस फैक्टर से हमारे को विचित्र हल मिलता है जब इसको जीरो के बराबर रखते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं पिछले लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। अब पी के रेस्पेक्ट में जो पद है, वन प्लस पी एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, बराबर जीरो, या इसको डायरेक्टली जीरो को छोड़ने पर, को छोड़ने पर, ठीक है। तो क्या आएगा इसको छोड़ने पे, इसको तो छोड़ दिए, तो यही बचेगा एक टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी बराबर जीरो, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, हम पी को दूसरे साइड ले लेते हैं, डी पी टू एक्स डी पी अपॉन डी डी एक्स बराबर माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे इनको सेपरेट, पी की टर्म एक तरफ ले लेंगे और एक्स की टर्म एक तरफ कर लेंगे, फिर इनका कर देंगे समाकलन। तो कीजिए डी पी, ये टू इधर ले लेता हूँ, डी पी अपॉन पी बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो समाकलन कीजिए, समाकलन क्या आ जाएगा इनका, समाकलन आ जाएगा इसका टू लॉग पी बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस, मैं इधर लॉग सी वन ले लेता हूँ, ठीक है, तो कांस्टेंट। अब इसका जब करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि लॉग से लॉग तो कैंसिल हो जाएगा ना, पी स्क्वायर बराबर सी अपॉन एक्स, ये आ गया सी वन, सॉरी क्या है, सी वन अपॉन एक्स, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ सी वन अपॉन एक्स, ये हम इसको लिख सकते हैं, और पी स्क्वायर बराबर ये। अब मान समीकरण एक में रखने पर पी का मान समीकरण एक में पुट करने पर, ठीक है, पुट करने पर, ठीक है, रख दीजिए समीकरण एक में मान, तो y ऐसे कैसे माइनस
टू एक्स पी का मान रख देंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ पी वन अपॉन एक्स, ठीक है, बराबर एफ डैश एक्स इंटू पी स्क्वायर क्या जाएगा सी वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया और मैं मान रहा हूँ यहाँ से माना सी वन बराबर अंडर रूट सी वन बराबर मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी वन बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। तो मान रख दीजिए क्योंकि इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो y माइनस टू, अब चूंकि टू एक्स तो इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट दो बार लिख सकते हैं, और ये क्या है ऊपर c1 है नीचे x1 है x है, तो ऐसे कर लो तो ये एक कैंसिल हो जाएगा ये x है सॉरी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बता टू रूट एक्स बच गया, ठीक है। और यहाँ से रूट सी बच रहा है, रूट सी की तरह क्या मान रख देंगे सी, तो इंटू सी बराबर यहाँ क्या बचा एफ सी वन, एफ ऑफ सी वन, सी वन की जगह सी स्क्वायर कर दो। यहाँ से अब देखिएगा मैं इन सभी पदों को वाई के बराबर ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा वाई बराबर टू सी रूट एक्स प्लस एफ ओ सी स्क्वायर, जहाँ पे जहाँ सी बराबर स्वेच अचर है, स्वेच अचर है, ठीक है। और ये क्या है समीकरण स्टार, समीकरण एक का व्यापक हल है, व्यापक हल है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन फोर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कीजिए और यहाँ पे ये मैंने बुक का आंसर मैच किया हूँ, यहाँ पे बुक का आंसर मैच किया है अपन, तो हम बुक का आंसर मैच करने के चक्कर में C1 अंडर रूट C1 को क्या मानना पड़ा C, तो कॉन्स्टेंट को ऐसे मानने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंसर भी ओके है ये C1 वाला, अगर ये आंसर C1 में आता है, अगर आप C नहीं मानते हो तब भी ठीक है, आपका मेथड ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मेथड ठीक है तो आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है, चाहे आंसर मिले ना मिले। अब हम क्वेश्चन सेवन देखते हैं, ठीक है। ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन सेवन क्या है, क्वेश्चन सेवन है एक्स पी स्क्वायर माइनस टू वाई पी, ठीक है। प्लस ए एक्स बराबर जीरो, ये समीकरण एक नाम दे दूँ इसको। अब मैं इसको रीराइट करता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स, मैं वाई की क्रम को अलग कर रहा हूँ, बाकी दोनों क्रम को साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। टू पी वाई, ठीक है, पी को आगे लिख दिया, ये वाई आ गया, यहाँ से क्या जाएगा पी यहाँ ना करके मल्टीपल में है तो ये बाद में आ जाएगा, क्या था 2t, ठीक है। अब ये y हो गया, अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो d
अपॉन यू इंटू वी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर हो जाता है और ऊपर वाले का अवकलन इंटू नीचे वाला, ऐसे कैसे माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे और नीचे वाले का अवकलन, ठीक है। ये डैश का मतलब है, मतलब अवकलन कर रहे हैं उसका, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे अवकलन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का अवकलन कर देंगे, तो क्या आएगा, x का किए, x को ऐसे कैसे रख दिए, p स्क्वायर का 2p आ गया, ठीक है, इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ऐसे ही प्लस p स्क्वायर को ऐसे कैसे रख दिए, x का 1 आ गया। अब ए एक्स का करेंगे प्लस, ये तो हो गया एक्स पी स्क्वायर का, अब ए एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। और अब हम नीचे वाला जो है टू पी उसको ऐसे के ऐसे रख देंगे, ठीक है, माइनस जैसे यहाँ है माइनस, अब नीचे वाले का करेंगे, नीचे वाले का क्या होगा, दो इंटू पी का करेंगे तो डी पी अपॉन डी एक्स, और ऊपर वाले को ऐसे कैसे रख देंगे, एक्स पी स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है। और नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर पी स्क्वायर बराबर वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, पी के, क्योंकि ये के बराबर होता है dy अपॉन dx, ठीक है। अब मैं यहां से dy अपॉन dx मिटा देता हूं क्योंकि ये p के बराबर होता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, मैं इसको भी क्योंकि वज्र गुणा जानते हो तो ये किसका चला जाएगा, बाद में है मल्टीपल में चला जाएगा, उधर जाके गुणा हो जाएगा 4p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इधर 4p क्यूब हो जाएगा, 4p क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ये दोनों टर्म आपस में बराबर है, ऐसे 4p क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, क्योंकि आगे स्टेप्स अपनी बड़ी नहीं, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सेट कर दिया इसको। अब ये दो 2p से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ करूँगा 2p क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर x, ठीक है, और इंटू dp अपॉन dx, ऐसे ही इसको करेंगे तो प्लस 2p क्यूब आ जाएगा, और ऐसे करेंगे तो प्लस का 2ap, ठीक है। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस बार ले लेता हूँ और माइनस टू बार ले लिया अंदर, या टू से की लिया अंदर, तो 2x dp 2x और क्या है, पी स्क्वायर dp अपॉन dx, x पी स्क्वायर ये वाला 2, ठीक है, प्लस 2ax dp अपॉन dx और ब्रैकेट बंद बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, और इसको क्या करता हूँ, इसको इस तरह ले लेते हैं, माइनस 4p क्यूब बराबर 0। अब देखिए मैं अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चिन्ह दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस गुणा होगा ना, अंदर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, 2p क्यूब ये है और 4p क्यूब ये है माइनस का, तो ज़्यादा किसका है, माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, माइनस का 2p क्यूब, तो यहाँ मैं माइनस का कर देता हूँ 2p क्यूब, ठीक है, और उसको मिटा देते हैं, माइनस का कितना बचेगा 2p क्यूब, ठीक है, ये 0 है। अब यहाँ से देखना, dp वाले में dp वालों में कॉमन लेंगे पदों में, और विदाउट dp वालों में विदाउट dp से कॉमन लेंगे। यहाँ पे dx का कितना है, देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ है
मैं ये x आगे लिख देता हूँ, पी स्क्वायर पीछे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये पद देखिए और ये पद, माइनस का 2x पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स, और ये क्या है प्लस का 4x पी स्क्वायर, तो ज़्यादा किसका है प्लस का ज़्यादा है, कितना 2, तो इसको प्लस का कर देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और p, तो मैंने 2p कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया माइनस का p स्क्वायर, उधर प्लस का a, ठीक है। ऐसे ही dp वाले में 2 दोनों में है और dp अपॉन dx है, ठीक है, तो क्या आएगा कॉमन प्लस 2x भी है दोनों में, तो 2x dp अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है उनको सबको कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया p स्क्वायर और इस साइड क्या बच गया माइनस a, ठीक है, ये बच गया बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बार बार कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस आ गया बार, क्योंकि अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, तो वो पहले वाली टर्म ही आ जाएगी, क्योंकि अब ये दोनों पद समान बन गए, तो ये वापस से कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से p स्क्वायर माइनस a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा इधर माइनस का 2p, उस साइड प्लस 2x dp अपॉन dx, ठीक है बराबर 0। अब चूंकि ये दो फैक्टर हो गए, तो dp अपॉन dx वाला फैक्टर तो रखते हैं, और विदाउट dp अपॉन dx वाला जो है गुणनखंड उसको क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज उससे अपने वो सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है, p स्क्वायर माइनस a को छोड़ने पर, को छोड़ने पर, ठीक है, क्या बचेगा उसको छोड़ने से हमारे को मिलेगा, पहले मैं प्लस का लिख लेता हूँ या कैसे भी लिख लो, माइनस 2p प्लस 2x dp अपॉन dx बराबर 0, क्योंकि यहाँ दो दोनों तरफ है वो 0 में जाएंगे, तो ये हट जाएगा, दो को हटा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ समान संख्या है ना, हटा दिए दोनों टर्म्स में। अब यहाँ से मैं इस p को माइनस वाले को उस साइड लेके जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये p हो गया बराबर के उधर चला गया, ठीक है। यहाँ से पदों को सेपरेट किए, अलग अलग करने पर x से अलग कर दिया, तो dp अपॉन p, ठीक है, बराबर dx अपॉन क्या आ गया x, और इनको आप समाकलन कर दीजिए, तो क्या आएगा इधर आएगा log p बराबर log x प्लस लोग c, ये क्या है c। अब देखिएगा ये क्या आ जाएगा, p बराबर c x, ठीक है, p का मान समीकरण एक में रखने पर, अब देखिए x p का मान रखे c स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2yPx प्लस ax बराबर 0। अब चूंकि एक x तो सब में है, तो क्या हो जाएगा ये एक x सभी पदों में ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे 2 कैंसिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि उस राइट हैंड साइड में क्या है बराबर में 0, तो वो 0 की तरफ जाएंगे, 0 में बाहर देंगे, तो ये 0 ही रहेगा, तो ये बच गया, ठीक है ए। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मैं y को एक तरफ, y वाली टर्म को एक तरफ करता हूँ, तो c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a
बराबर टू वाई सी ये कर दिया, ठीक है। वाई में ये सी का मैं बाहर दे देता हूँ, सी सी दोनों पदों में चला गया तो सी से एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ गया टू वाई बराबर ऊपर एक सी बचा, एक कम हो गया ना, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन सी, ये समीकरण स्टार आया, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये समीकरण स्टार है जहां सी बराबर क्या है स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर है, ठीक है। अब देखिए समीकरण स्टार एक का समीकरण का व्यापक व्यापक हल है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 7। यहाँ पे ये इतना ये इसलिए किया गया है कि जो बुक में आंसर दे रखा है वो मैच हो सके, तो बुक में आंसर ये वाला दे रखा है, कौन सा 2i बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन सी, अदरवाइज जैसे ही हम p का मान रखते हैं तो ये भी आंसर सही है, आगे चाहे मत करो, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास तो आप ये सब सेटिंग करने से ये मत करना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक को आंसर ही मैच करो, बस आपका मैथड ठीक होना चाहिए स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे x के लिए हल करने योग्य समीकरण, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर x, ठीक है। तो अगर आप केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो कॉलेज की प्राप्त हो सके, पता चल सके, नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।